हेलो नमस्कार आदाब सत श्री दोस्तों जीवन के बारे में हर कवि ने अलग-अलग कल्पनाएं की है आज हमें जानना है जीवन के बारे में कवि और उसकी कृति इस कार्यक्रम में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों जीवन एक ऐसा गहरा विषय है जिसके ऊपर हर कवि अपने अंदाज से अलग-अलग लिख जाता है किसी ने जीवन को नैया कहा है तो किसी ने नदी कहा है किसी ने समंदर कहा है तो किसी ने लहर कहा है किसी ने आसमान कहा है तो किसी ने धरती कहा है किसी ने बगीचा कहा है तो किसी ने बाहर कहा है किसी ने फूल कहा है तो किसी ने चांदनी कहा है किसी ने चाँद कहा है तो किसी ने सूरज कहा है <laughs> कहने वालों का तो अपना अपना अलग अलग नजरिया है लेकिन आज हम जानने वाले हैं हर पल उत्सव किताब में सीता गुप्ता जी क्या कहती है जीवन के बारे में नमस्ते सीता जी नमस्कार आपका स्वागत इस कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में आपकी एक बहुत ही प्यारी कविता है जीवन जीवन तो इतना सुंदर विषय है हम चाहे जीवन के ऊपर कितनी भी बात करें कम ही है लेकिन हम आज देखने वाले हैं आपका नज़रिया क्या कहता है जीवन के बारे में जी सबसे पहले मैं कविता शुरू करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जीवन को आप किस नज़रिए से देखती है जीवन एक समुद्र की तरह है अच्छा जिसमें कहीं लहरें भी हैं, कहीं तैराक भी तैर रहे हैं हाँ। कहीं शिप भी चल रहा है कहीं एक लाइट हाउस भी खड़ा है रास्ता दिखाने के लिए क्या बात है तो आज हमें समिंदर की लहरों के ऊपर तरंगना है इन शब्दों में खो जाते हैं। जीवन निर्मल जल है जीवन निर्मल जल है सागर की गहराई में आया ही वो विषय जीवन निर्मल जल है सागर की गहराई में जीवन सदा सफल है कर्मों की अच्छाई में जीवन रसमय फल है तरुवर की ऊंचाई में क्या बात है ये अपने सागर के बारे में तो कहा लेकिन ये रसमय फल तरुवर की ऊंचाई में ये आपने क्यों कहा जीवन निर्मल जल है सागर की गहराई में जीवन सदा सफल है कर्मों की अच्छाई में जीवन रसमय फल है तरवर की ऊंचाई में क्या सागर बार? की गहराई में ही मोती मिलते हैं जी तो सागर की गहराई क्या है मन के सागर में गहरे 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 जाइए देखिए कितने मोती रखे हैं वहाँ <laughs> आपने देखा होगा तैराक लोग जितना नीचे जाते हैं उतना अच्छे मोती मिलते हैं उनको वाह क्या बात है तो सागर अंदर शांत है हमेशा ऊपर लह रहे हैं ऊपर नैया भी है कहीं शिप भी है कहीं लाइट हाउस भी खड़ा है लेकिन नीचे सागर एकदम शांत है <laughs> उसी को मैंने लिखा है जीवन सदा सफल है कर्मों की अच्छाई में सफल का आप संधि विच्छेद करिए सफल <laughs> जो फल सहित है तो कर्म अच्छे हैं तो फल भी अच्छा ही होगा इसलिए मुझे अपने कर्म को देखना है कि मैं अच्छा कर रही हूँ अच्छा से मतलब केवल मेरे लिए ही अच्छा है ऐसा नहीं क्या समाज के लिए अच्छा है क्या देश के लिए अच्छा है क्या परिवार के लिए अच्छा है अगर सबके लिए अच्छा है तब वो सफल है जी जी जीवन फल है तरवर की ऊंचाई में क्या बात तरवर कहते हैं वृक्ष को जी जी तो वृक्ष के ऊपर जब तक फल लगा होता है तो एक कच्चा फल देखिए और एक पका हुआ फल देखिए रस रूप गंध सब बदल जाता है बिल्कुल सही है लेकिन उसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है <laughs> तो मैंने जो लिखा है तरवर की ऊंचाई में फल है तो मुझे उस ऊंचाई तक जाने का अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए जब वो फल पक जाए क्या बात है लेकिन सीता जी मैं आजकल देखती हूँ कि किसी में वो संयम नहीं रहा वो पेशेंस नहीं रहे कि प्रतीक्षा करें हम तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप साधारण शब्दों में लोग कहते हैं ना कच्चा फल खाने से पेट में दर्द हो जाएगा जी वो तो है <laughs> तो फिर कच्चे फल में मिठास भी नहीं आई ना अभी उसका रंग भी थोड़ा हल्का है हाँ। आम कच्चा खाइए खट्टा लगेगा ना <laughs> वही आम को पेड़ पर लगा रहने दीजिए समय है धूप है उसको पका कर मीठा रस में आम बना देगी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही तो मेरे कर्म है ना उनको समय तो दीजिए पूरा होने के लिए लेकिन शॉर्टकट का जमाना हर बार नहीं चलता है हाँ बेशक आज शॉर्टकट का जमाना है हाँ। लेकिन हर सफलता शॉर्टकट से नहीं मिलती लेकिन फिर ले... वो जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी चली भी जाती है लेकिन लोगों को इंस्टेंट चाहिए तो ऐसे में मतलब उसको धारण कैसे करें वो जो करे प्रतीक्षा हाँ कि बच्चा आज जन्म लिया कल वो पांच वर्ष का हो जाए क्या संभव है <laughs> कैसे संभव होगा जी जी <laughs> लेकिन उसके लिए भी फिर मेडिटेशन आ गया मेडिटेशन को क्या हमें जीवन का एक भाग बनाना आपने चाहिए आपने कहावत तो सुनी होगी ना माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए जी जी बिल्कुल बराबर है मेरे को एक पौधा दिया मेरे मित्र ने जी अगर वो कहे चार दिन में मेरे को फल चाहिए तो मैं अगर पूरे दिन भी पानी डालती रहूं तो क्या आएगा <laughs> तो समय की उसके पूरा होने की वो प्रतीक्षा तो मुझे करनी जी बिल्कुल है लेकिन कैसे है कि आजकल वो मैंने जैसे कहा इंस्टेंट का जमाना हो गया है तो आप कुछ ऐसी विधि बता सकते हैं क्या मतलब क्या मेडिटेशन को हम जीवन का भाग बना सकते हैं ये सब प्रतीक्षा अपने अंदर धारण करने के लिए बना सकते हैं ना अवश्य मेडिटेशन आपको संयम तो सिखाई देगी ना अच्छा अच्छा ओके ओके संयम के बिना आप कैसे जीवन जिएंगे अच्छा अच्छा वो तो संयम नियम हमारे जीवन को रास्ता देते हैं ना बिल्कुल किसी तो ने खूब कहा है कि विचारों को तेज कीजिए प्रवाह को नहीं मैं तेज स्वर से बोलूंगी तो कुछ लाभ नहीं होगा हाँ। विचारों को ऊंचा कीजिए क्योंकि बारिशों से फसल पैदा होती है बाढ़ से नहीं क्या बात है और वैसे भी ऊंचे विचार तो मीठी वाणी से ही शोभा देते हैं तो वो ज्यादा ऊंचाई से पहुँचते है लोगो इसलिए मैंने कहा तरवर की ऊंचाई में फल रसमय बनता है क्या बात है क्या बात है बहुत खूब बहुत खूब अब दूसरा बंद देखिए जीवन सुखमय पल है शीतल सी पुरवाई में जीवन सदा अचल है पर्वत सी ऊंचाई में जीवन कर्मठ बल है मानव की तरुणाई में जीवन सुखमय पल है शीतल सी पुरवाई में पुरवाई कहते हैं सुबह की जो ठंडी हवा होती है तो जरा बाहर जाकर देखिए ना ठंडी हवा का स्पर्श आपको कितना प्यारा लगता है और कैसे आपके चेहरे को छू कर जाता है कोमल सा स्पर्श बिल्कुल छू जाता है वो गाना भी तो है ना छुपके छुपके चल रे पुरवैया वो याद आया जब आप कह रही थी तब <laughs> सुनाइए <laughs> नहीं आ, आप सुनाइए आपका सुनने के लिए बेताब है <laughs> नहीं? जब आपको कोई अच्छा विचार आया तो सुनाइए ना <laughs> मेरा और आपका क्या है सब प्रभु का है बिल्कुल लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ जीवन को अपने कर्मठ बल क्यों कहा है क्योंकि मैं कहती हूँ कोई भी कार्य मेहनत के बिना सफल नहीं होता हाँ सही माली सींचे सौ घड़ा फल आए ऋतु होए अभी हमने ये कहा ना अगर किसान सोचे मैंने आज बीज डाला है और कल मेरे को गेहूं की बाली मिल जाए तो क्या मिलेगी हाँ उसको कितना करना पड़ता है देखिए पहले वो उसको रोपेगा फिर उसको रोज़ जल देगा फिर उसमें जो खर पतवार पैदा हो जाएंगे उनको काट के हटाएगा फिर जब फसल खड़ी भी हो जाएगी तो धूप पड़ने से जब वो सूखेगी फिर उसके बाद वो काटेगा फिर घर ले जाएगा फिर बैल के पैरों के नीचे दबा के या आजकल जैसे थ्रेशर में डाल के अनाज निकाला जाता है तो कितना वो है थी, थी. जैसे बच्चे ने जन्म लिया वो उसका काल है उसके बाद वो स्कूल में जाता है वो उसका विद्यार्थी काल है उसके बाद वो जॉब में जाता है आ गई। बच्चा जी, आज जन्म लेके कल बूढ़ा तो नहीं हो सकता है सही है तो समय और वो तो चाहिए साधना हर कार्य में उसी को मैंने कहा कर मठ बल है अच्छा मानव की तरुणाई में तरुणाई कहते हैं युवावस्था अच्छा। को जी जी बिल्कुल तो युवा अवस्था में हमारे पास सबसे ज्यादा शक्ति होती है हम्म, सही है किसी ने कहा है कि बच्चे के पास बुद्धि है हम्म, शक्ति है हम्म, लेकिन समझ नहीं है तरुण के पास सब कुछ है समझ भी है धन भी है शरीर में शक्ति भी है बुजुर्गों के पास धन है समय है शक्ति नहीं है तो सबसे ज़्यादा साधन किसके पास है तरुणाई के पास लेकिन तो मैं... वो सबसे ज़्यादा मेहनत कर सकता है इसीलिए मैंने कहा जीवन कर्मठ बल है जीवन तरुणाई में सबसे ज़्यादा जी लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी आपने ऐसा कहा तो है लेकिन बुजुर्गी बुजुर्ग जो है वो भी अपना जीवन एंजॉय करना चाहते हैं तो वो जीवन की तरफ किस तरीके से देखें किस नज़रिए से देखें उनके पास तो और भी अच्छे साधन हैं जी जी बच्चों को पौधा लगाना सिखा सकते हैं जी संयुक्त परिवार में जो होते हैं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं बच्चों माता मतलब उनके पुत्र और पुत्र कार्य पे जाते हैं तो वो बच्चों की देखभाल अच्छे से कर सकते हैं उनको अच्छे संस्कार दे सकते हैं उनको ऋषि मुनियों की प्रताप और पोरस की कहानियाँ सुना सकते हैं, झांसी की रानी की कहानी सुना सकते हैं जी जी सही हमारे देश के इतिहास के बारे में भूगोल के बारे में शिक्षा दे सकते हैं, कितने सारे कार्य हैं, सही सही है किसी आश्रम में जाके अपने जैसे और लोगों के साथ बैठ के उनका दुख दर्द बांट सकते हैं, बहुत बड़ी बात है बहुत समाज के है। लिए बहुत कार्य कर सकते हैं जी, जी, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा ऐसे करते हुए जी जी बराबर है लेकिन जीवन को आपने अचल क्यों कहा है अचल पहाड़ की तरह अचल मैंने कहा जीवन सदा अचल है पर्वत सी ऊंचाई में पर्वत के ऊपर कितनी भी आंधिया आए कितनी भी तूफान आए हिलता है क्या लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं तब हमारी मनस्थिति तो हिलती है ना मनस्थिति हिलती है अवश्य हिलती है लेकिन अगर मेरा उसके बाद कर्म नहीं हिलता जी। अगर मैं उससे हताश होकर अपना कार्य करना नहीं छोड़ देती या अपना रास्ता अच्छा वाला नहीं छोड़ देती तो वो अचल है ना? जी सही जी पर्वत सही, के ऊपर आंधी आए वर्षा आए हिलता है क्या वो वर्षा की रिमझिम में भी शांत रहता है और आंधी के गुब्बार में भी शांत रहता है क्या बात है तो पर्वत जैसी धारणा हमें आनी चाहिए चल बोला मैंने जो हिलता नहीं है जी 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 आगे आगे बढ़ते रहता है। आगे बढ़ता रहता है है बढ़ता जीवन केवल छल यदि धोखा है चतुराई में जीवन पूरा दल दल है काले कामों की काई में जीवन खिला कमल है अंतर मन की सच्चाई में ये चतुराई में धोखा कैसे हो सकता है मतलब क्या एक होती है हमारे पास बुद्धि की समझ हाँ हाँ. और एक होती है चालाकी जी जी तो चालाकी से किसी को गिरा देना छल है ना सही बात है सही बात है महाभारत में कैसे पांडवों को हराया था छल से हराया था ना जी बिल्कुल जी शकुनी के पास ही उसके बस में थे जी जो जी। कहता था वो होता था बिल्कुल सही है तो दुर्योधन और वो खेल रहे थे ना जी धर्मराज। जी, धर्मराज तो उन दोनों को पासा फेंकना चाहिए था ना शकुनी ने क्यों अपने हाथ में लिया क्या ये छल नहीं था जी अभिमन्यु से भी अभिमन्यु को भी बहुत बुरे तरीके से अभिमन्यु को सात लोगों ने घेर के मारा है ना जी बिल्कुल और पीछे से मारा है जी जी बिल्कुल और बड़े बड़े योद्धाओं ने मारा है युद्ध नीति के बिल्कुल विरुद्ध कर्म किया गया तो उसी को मैंने छल लिखा है ना छल से मारा है ना अभिमन्यु के सारे हथियार जब गिर गए थे तो उसने रथ का पहिया उठा लिया था और फिर भी वो हारा नहीं था किसी से उसको पीछे से मारा गया है बहुत ही वो एक अमर वीर मैं कहूंगी क्योंकि एक वीर सात लोगों से वो झूंझता रहा क्या सातों योद्धा थे जी बिल्कुल कर्ण जैसे महारथी थे दुर्योधन था दुशासन था द्रोणाचार्य थे सब महारथी थे जिन्होंने मारा है और सब जानते थे कि हम गलत कर रहे हैं। जी बिल्कुल जी बिल्कुल तो छल है ना ये उसी को मैंने लिखा है कि यदि धोखा है चतुराई में जी जी सही है जीवन पूरा दल दल है काले कामों की काई में काले कामों की काई काई होती है ना जल के ऊपर काई जम जाती है ये यहाँ पे आपने अनुप्रास का प्रयोग किया जी जी बहुत ही अच्छा लग रहा है। जीवन खिला कमल है की सच्चाई में उसी कीचड़ में कमल भी खिलता है जी, उसी कीचड़ में अगर आप चले जाओ तो आपके वस्त्रों पर दाग भी लगता है तो आपके ऊपर है ना कि आप कमल को उठाकर लाते हो या उसमें छप छप करके अपने ऊपर कीचड़ ले आते हो जी जी बिल्कुल है, जी बिल्कुल तो है, है। है, तो जीवन में कमल भी है, भी है। चुनाव आपको करना है मुझे क्या लेकर जाना है वैसे तो कमल ही बनना हर कोई पसंद करेगा क्योंकि कमल भगवान को पसंद है देखिए ना मछली भी पानी में रहती है कमल भी पानी में रहता है लेकिन मछली जो होती है अपना अस्तित्व पूरी तरह से पानी में वो डुबो देती है वो समर्पित करती है वो पानी से एक रूप होती है लेकिन कमल कैसे पानी में होकर भी पानी के बाहर ऐसे डोलते रहता है उस कमल की तरह न्यारा होना अगर हमें आ गया तो जिंदगी कितनी हसीन बन सभी देवी देवताओं के अंगों की प्रतीक हम कैसे देते हैं कमल नेत्र कमल कर बिल्कुल कमल कुंज कमल चरण जी आइए हमारे घर में अपने चरण कमल रखिए जी और भगवान को वो भगवान एक... की उपमा भी कैसे दी है हाँ। करकंज। हाँ। कमल का एक ऐसा भी वैशिष्ट्य है कि कमल की एक महानता ऐसी भी है कि कमल की जो हम बोलते हैं कमल की जो प... कमल पूरे परिवार सहित कीचड़ में है हाँ। लेकिन ऊपर है हाँ। कमल नाल भी है हाँ। और कमल के पत्ते कम, भी कमल के जो पत्ते रहते हैं ना हाँ। वो कमल के पत्तों को कुछ ऐसे चिपकता नहीं है पानी भी उसे चिपकता नहीं है मतलब अपने तरफ कुछ ना रखते हुए दूसरों को भर भर के देना तो यही तो हमें सिखाता है ना जी हाँ कि हम कीचड़ में रहें जरूर लेकिन अपने ऊपर उसको हावी ना होने दे जो आपने कहा कि आजकल का जमाना ऐसा है तो हम जमाने को नहीं बदल सकते हैं हाँ। हम अपने पड़ोसियों को बदल सकते हैं हाँ। अपने घर को रोज बदल सकते हैं अपने ऑफिस हाँ। को रोज बदल सकते हैं नहीं ना लेकिन हम उसी में रहकर कैसे कमल के समान अपना जीवन जी सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल कमल देखिए खड़ा है ना पानी के अंदर जी, उसी कीचड़ में तो खड़ा है जी जी लेकिन उसके पत्ते भी स्वच्छ हैं और फूल की एक एक पंखुड़ी कैसी चमकती है तभी तो भगवान को अर्पण की जाती है जी, जी। और तभी तो देवताओं के नेत्रों की देवताओं के हाथों की देवताओं के चरणों की सबकी उपमा कमल से दी जाती है जी बिल्कुल जी बिल्कुल क्या बात है क्या बात है फिर जीवन सदा श्रीफल है सत कर्मों की शहनाई में बस देख सदा तू अचल है फिर है जी तो है हर कठिनाई श्रीफल क्यों कहा है अपने जीवन को श्रीफल मालूम है क्या कहते हैं हाँ नारियल हाँ, नारियल तो नारियल की रचना देखिए ऊपर हाँ, से कितना कठोर है कठोर है और, और अंदर मृदु और मीठा है मृदु और मीठा है। जी जी क्या बात है तो ऊपर से कठोर अगर ना होता तो क्या जल को नारियल बनने तक कोई रोकता रुकता कोई बड़ी तो बात है बहुत बड़ी बात है तो मुझे ऊपर से कठोर होना होगा कि चाहे मेरे ऊपर कोई कितनी भी चोट करे मैं टूटू ना क्या बात है क्या बात लेकिन अंदर से मुझे मीठा रहना पड़ेगा जी उसकी जी। मिसाल है नारियल जी, जी। इसीलिए उसको श्रीफल कहा जाता है हर एक पूजा के अंदर आप देखिए कलश के ऊपर श्रीफल रखा श्रीफल जाता। रखते हैं इसीलिए रखते हैं ना तभी मैंने एक दिन कहा था कि हमारी सभी परंपराओं में जो पेड़ पौधे लिए गए हैं जो फल फूल लिए गए हैं वो प्रतीकात्मक हैं सबका अर्थ है बहुत महत्व है और उनका कि श्रीफल हम क्यों रखते हैं कि श्रीफल ऊपर से एकदम सख्त है लेकिन अंदर से कितना मृदु है जी, जी। तो मुझे ऊपर से कठोर होना होगा जमाने के ठोकरों से बचने के लिए जी, जी। जमाने के गलत व्यवहार से बचने के लिए लेकिन अंदर की मिठास में फिर भी ना खू क्या बात है? क्या बात है तभी तो जिंदगी की शहनाई बजेगी सत्कर्मों की शहनाई बजेगी ये सत्कर्मों सत्कर्मों की की शहनाई शहनाई आपने कहा है तो सत्कर्मों की हम कैसे बजाए भला तभी तो हमने कहा है ना बस देख सदा तू अचल है फिर जीते हर कठिनाई में बस मुझे अचल रहना है जी। जैसे ऊपर हमने पर्वत की मिसाल दी थी आंधी आए तब भी वो हिलता नहीं है बारिश की रिमझिम हो तब भी सह लेता है अगर मूसलाधार बारिश हो तब भी उसको बहने के लिए रास्ता दे देता है तो बस मेरे मन की स्थिति अचल हो दर्शकों तब हम क्या करेंगे हर कठिनाई को जीत सकते हैं क्या बात है क्या बात है? इसलिए मैंने ऐसे लिखा कि जरा देख ले कि तू अचल है अगर अचल है तो कोई हमें हिला नहीं सकता है लेकिन उसके लिए मन की स्थिति को संतुलन में लाना होगा और मन की संबल परिवार के प्रेम से हमारे सत्संग से हमारे सत्साहित्य के पठन पाठन से आती है जी जी बिल्कुल सही है अगर हम ऐसी मन को खुराक दें तो ये सत्कर्मों की शहनाइयाँ हमेशा जीवन में बचती ही रहेगी और ये अभी इतनी सुंदर तरीके से बची है ये जीवन की मीठी मीठी शहनाइयाँ इन शब्दों के साथ तो मेरे मन में शब्दों के साथ वो सुर भी ऐसे गाना गाने लगे हैं और मुझे आपका एक मुक्तक याद आ रहा है जीवन के सुर <laughs> इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे अवश्य क्या खूब कहा है आपने जीवन के सुर मीठी धुन में बजने दो जीवन के सुर मीठी धुन में बजने दो सबके नयनों में सुंदर सपने सजने दो मन के मानस सरोवर में प्रभु प्रेम प्रसून उपजने दो मन के मानस सरोवर में प्रभु प्रेम प्रसून उपजने दो अंतर की सारी कटुताएँ अब अपने मन को तजने दो सबके सुख में अपना सुख है सबके सुख में अपना सुख है हर मानव को समझने दो कितना सुंदर कहा है आपने वो मीठी मुझे सुनाई दे रही है जीवन के सूर की मीठी मीठी माना क्या सरगम कब बनती है मीठी सरगम बनेगी जब सातों लय में चलेंगे जी तो मैंने यही कहा जीवन के सुर मीठी धुन में बजने दो सबके नयनों में सुंदर सपने सजने दो मैं भी सुंदर सपने देखूँ आप भी सुंदर सपने देखें और वही नयनों से देखना मतलब वो मेरे कर्मों में आ जाए तो समाज कितना सुंदर हो जाएगा मन के मान सरोवर में प्रभु प्रेम प्रसून उपजने दो मेरा मन मान सरोवर जैसा हो उसमें प्रेम के फूल खिले प्रसून कहते हैं फूल को अच्छा तो प्रेम के फूल खिलते रहे आपने मानसरोवर देखा है कैसे भी कोई भी फूल जब पानी के अंदर बहता है कितना सुंदर लगता है तो वो लहरों से डूबता नहीं है तो लहरें तो आएंगी जी, जी। तो लहरें तो आएंगी लेकिन फूल इतना हल्का है तो मेरा मन भी कटुताओं को त्याग कर अगर इतना हल्का हो जाए उसी को आगे लिखा है ना अंतर की सारी कटुताएं अब अपने मन को तजने दो छोड़ना जी। जितनी अंदर कटुताएं हैं उनको छोड़ दीजिए तो फूल हल्का हो जाएगा रोड़ता रहेगा सबके सुख सुख में अपना सुख है हर मानव को समझने दो केवल मेरा सुख ही सर्वोपरि हो ऐसा नहीं होता है अगर मेरा सुख मेरे को मिल भी गया मेरे परिवार में कोई दुखी व्यक्ति है मेरे समाज में किसी के पास कुछ नहीं है मेरे आसपास के व्यक्ति दुखी हैं तो क्या उनका हाहाकार उनका दुख मेरे को दुख नहीं देगा विचारों के लिए कोई दीवार नहीं होती है सुख के स्पंदन भी सारे में फैलते हैं और दुख के स्पंदन भी फैलते हैं तो अगर हमारे आसपास लोग दुखी हैं तो हम कैसे सुखी रह सकते हैं इसीलिए मैंने लिखा सबके सुख में अपना सुख 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 है है हर मानव को ये समझने दो अगर सब ये समझ जाएं कि मेरा सबके के अंदर है, तभी तो एक दूसरे के लिए हम प्रयास लेकिन, करेंगे सबके सुख में अपना सुख कैसे समझ ले आजकल के जमाने में <laughs> जमाना तो हमेशा आजकल जमाना किससे बनता है व्यक्ति से परिवार बना परिवार से समाज बना समाज से देश बना अच्छा देश से संसार बना यही तो रचना का नियम है ना अच्छा 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 तो व्यक्ति खुश तो परिवार खुश बिल्कुल सही परिवार खुश तो मेरा देश खुश अच्छा अच्छा <laughs> समाज का हर व्यक्ति अगर विचारों से संपन्न हो जाए हाँ। अगर खुशियों से संपन्न हो जाए जी तो क्या सब सुखी नहीं हो जाएंगे क्या बात सब है। सुखी हैं तो उस पूरे समाज से ही कौन सी खुशियों की तरंगे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगी क्या बात तो वो तरंगे कहाँ जाएंगी आस पास ही तो फैलेंगी बिल्कुल आप किसी मंदिर के पास से गुजर जाइए तो क्या वहां आपको असीम शांति नहीं अनुभव होती बिल्कुल होती है क्यों होती है <laughs> क्योंकि अंदर सब कौन से मन से गए शांत मन से गए प्रभु से कुछ कहने गए पूजा करने गए अर्चन करने गए जी जी और किसी शमशान के पास से गुजर जाइए क्या मन में पीड़ा नहीं उपजती है जी जी बेशक आपको नहीं मालूम आज वहाँ पर किसकी मृत्यु हुई है जी सही है जी सही है तो मालूम तो है ना हम जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ अवश्य किसी का मृत शरीर आया होगा और अवश्य उसके परिजन दुखी होंगे बिल्कुल सही बराबर तो स्पंदन फैलता है कि नहीं जी जी तो इसीलिए मैंने कहा सबके सुख में अपना सुख है हर मानव समझ को समझने दो अगर मैं सबको सुखी कर दूं जितना मेरी सामर्थ्य अगर सब एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा बांटते जाए तो कमी कहां रहेगी जी, जी 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 बिल्कुल और सब अपनी इच्छाओं को थोड़ा सीमित कर ले फिर कुछ मैंने आपको दिया कुछ मुझे आपने दिया तो मित्रता आ गई कि नहीं आ गई जी हाँ जी हाँ आ गई और बिल्कुल आ गई अभी वो मेरे मन में है जैसा आपने कहा तो हमें मन को मंदिर बनाना है और वो खुशियाँ हमें महसूस करनी है और आपके जैसे ऐसे प्यारे प्यारे ऐसे सुंदर शब्द हमारे साथ हो तो वो खुशियाँ हमें ज़रूर महसूस होगी तो जीवन की गहराई जीवन की सुंदरता इतने सहज शब्दों में हमें समझाई आपने आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीता जी नमस्कार दोस्तों कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में आज हमने बातचीत की सीता गुप्ता जी से और जाना उनके कविता के बारे में जिसका शीर्षक था जीवन और उनका एक मुक्तक भी हमने सुना जिसका शीर्षक था जीवन के सुर तो जीवन क्या है ये जो मधुर सुर है खुशी के सुर आनंद के सुर इन्हें महसूस करना यही तो जीवन है और इन्हें महसूस करने के लिए हमें अपने मन को निर्मल बनाना होगा मन को शांत बनाना होगा मन को मंदिर बनाना होगा तभी वो खुशियाँ तभी वो आनंद हम महसूस कर पाएंगे तो आपने आज इन दोनों कविताओं से बहुत कुछ सीखा होगा और आप उस पर अमल भी करोगे इस जीवन को बहुत खुशी से बहुत सुगुन से आप महसूस करोगे जियोगे नमस्ते